Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वैसे तो ईश्वर सदा से ही हमारे दिलों में वास करते हैं, लेकिन बात अगर बजरंगबली हनुमान जी की हो तो वो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। इस बात का दावा बहुत सी बातों से साबित हो चुका है। आपने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण जी के धरती से जाने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन हनुमान जी की जाने की बात आपने कभी नहीं सुनी और न ही इस बात का उल्लेख किसी ग्रंथ में मिलता है। महाशक्तिमान महाज्ञानी भक्तों में सबसे प्रिय महाबलवान हनुमान जी, इतिहास में जिनकी भक्ति और निष्ठा की मिसालें दी जाती हैं, भगवान शिव के वो अंश जिनकी समानता न कभी की जा सकी और न भविष्य में की जा सकेगी। और आज आपको हम कुछ ऐसे सबूत बताने जा रहे हैं जिनसे ये साबित होगा कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। हनुमान जी बहुत बलवान थे, उनको अमरत्व का वरदान प्राप्त था। रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में उनकी सेवा करते रहे। उसके बाद उन्होंने वन को अपना निवास स्थान बनाया। उसी के बाद त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग का आरंभ हुआ। द्वापर युग में हनुमान जी का जिक्र दो बार हुआ है। जब भीम जंगल में थे तब उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिले। जब भीम ने उन्हें रास्ते से हटने के लिए कहा तो उस वानर ने कहा, इस उम्र में अब मुझमें इतनी शक्ति नहीं है, तुम ही मुझे रास्ते से हटा दो। तो भीम ने अहंकार में आकर उन्हें हटाने की कोशिश की, परंतु भीम उनको एक इंच तक नहीं हिला पाया। तब भीम को ज्ञात हुआ कि वो कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं जो भीम का अहंकार तोड़ने आए थे। दूसरी बार हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर पूरे महाभारत युद्ध में उनके साथ रहे और युद्ध के बाद वो अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए। तब वो रथ भी राख बन गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हनुमान जी की वजह से ही यह रथ इतने भयानक अस्त्रों के सामने टिक पाया। इसके बाद कलयुग में उनके होने के सबूत मिले। चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया में अलग अलग नामों से आपको हनुमान जी की कहानियां सुनने को मिलेंगी। अमेरिका से अफ्रीका तक आज भी वो एक शक्तिशाली बानर होने का प्रमाण देते हैं। 14वीं सदी में ऋषि मध्वाचार्य ने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने बताया था कि हनुमान जी ने उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद भी कई साधु संतों ने हनुमान जी से मिलने या उन्हें देखने का दावा किया। श्रीलंका में एक कबीला है जिसे मातंग कबीला कहा जाता है। इस कबीले वालों का आज भी मानना है कि हर 41 साल के बाद हनुमान जी उनसे मिलने आते हैं और ज्ञान देकर जाते हैं। यही ज्ञान उनकी आत्मिक शांति को बनाए रखता है। श्रीलंका और दक्षिण भारत में कई जगह विशाल पैरों के निशान मिले, जिसे वैज्ञानिकों ने भी माना कि ये हनुमान जी के पैरों के ही निशान हैं। ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि हनुमान जी को अमरत्व का वरदान होने के कारण वो कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे, जब कल के अवतार अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, तब हनुमान जी भी उस महान शक्ति में लीन हो जाएंगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.